हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर रहे हैं और अगला जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। तो जैसा कि आपको पता है, जो हमारा फंक्शन होता है, अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लें सेक एक्स, सपोज करो मैं जी एक्स लेता हूँ फंक्शन सेक एक्स, और सेक एक्स की डोमेन क्या होती है? sec x की डोमेन होती है r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, वेयर n इज इंटीजर, ये डोमेन होती है। और sec x की रेंज क्या होती है? sec x की रेंज होती है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। sec x की डोमेन r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और रेंज होगी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा फंक्शन है, इसका इनवर्स हमें डिफाइन करना है, पर ये पूरा फंक्शन मैन्युअल फंक्शन होता है हमारा। सो हम लोग अगर इनवर्स डिफाइन करना चाहते हैं तो फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव होना चाहिए, मतलब 1 1 1 2 होना चाहिए। यहाँ पे फंक्शन मैन्युअल है, सो इसको हमें बनाना पड़ेगा 1 1। तो फंक्शन 1 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है। सो देखो, जैसे मैं sec x का यहाँ पे ग्राफ बनाऊँ आपके लिए, तो sec x का ग्राफ ऐसे होता है, ये पाई बाई 2, इधर माइनस पाई बाई 2, और ये इस तरीके से होता है, ठीक है। ये मिनिमम वैल्यू 0 पे देता है इसमें, और ये हो गया 1, 0 पे 1 आता है। इधर देखें तो ये पाई बाई 2 हो गया 3π/2, ओके। सो 3π/2 की इस तरीके से होता है, यहाँ पे माइनस 1 होता है इस तरीके से, सो ये पाई पर होगा माइनस 1, माइनस 1 वैल्यू देगा, इस तरीके से होता है। इधर ऐसे चलता रहता है, इधर ऐसे चलेगा, ठीक है। ये sec x का ग्राफ हो गया हमारा। हम लोग डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे इस तरीके से कि हमारा जो फंक्शन है वो एक बार माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी की सारी वैल्यू अटेन करे। तो यहाँ पे मैं डोमेन को जो रेस्ट्रिक्ट करूँगा वो होगा 0 से लेकर और पाई तक, जीरो से लेकर पाई तक रेस्ट्रिक्ट करूँगा, तो सारी वैल्यूज कवर कर लेगा, माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी सारी वैल्यू कवर कर लेगा हमारा फंक्शन। तो हमने फंक्शन को रीडिफाइन कैसे किया, हमने फंक्शन जी एक्स को डोमेन क्या लिया, हमने 0 से पाई, और पाई बाई 2 पे दोनों डिफाइंड होता ही है, सो पाई बाई 2 हटा दिया, 2 माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो ये हमारा फंक्शन हो गया, और जी एक्स क्या हो गया, sec x। इसका जो इनवर्स है, जी इनवर्स x बोले तो, जो इसका इनवर्स फंक्शन है वो कहां से कहां डिफाइन होगा, वो होगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी 2 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2। सो वो यहां से यहां डिफाइन होगा। जी एक्स हमारा क्या है, sec इनवर्स एक्स, जी एक्स है sec इनवर्स एक्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सो ये हमारा इनवर्स फंक्शन डिफाइन हो गया, और इसका ग्राफ किस तरीके से होता है, इसका ग्राफ और बना देता हूँ मैं। sec इनवर्स एक्स का ग्राफ, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पर ये पाई बाई 2, वाई की वैल्यू वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2, और ये लाइन होगी पाई, डोमेन होती है 1 से इन्फिनिटी माइनस 1 से माइनस इन्फिनिटी, ऐसे उसके ग्राफ कुछ इस तरीके से होते हैं। सेकेंड और सेक्स का ग्राफ, 1 पर वैल्यू आती है पाई, और पाई बाई 2 को अप्रोच करता है जैसे जैसे माइनस इन्फिनिटी जाता है, तो ये ग्राफ होता है सेकेंड और सेक्स का, ठीक है। ये है पाई, ये है पाई बाई 2, तो सेकेंड और सेक्स का ग्राफ ये होता है। तो मैंने आप लोगों को अभी तक की वीडियोज में सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन करके बता दिए हैं, इसी में हम आगे चलते हैं। सो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, एक बार पूरा समराइज करने वाला हूँ, डोमेन रेंज के ग्राफ वगैरह बता के पूरा समराइज कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो हम लोग एक टेबल बनाते हैं, चलो यहाँ पे है फंक्शन, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डोमेन रेंज। सो सबसे पहला फंक्शन आता है हमारा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन हमने क्या पढ़ी है,
माइनस वन टू वन रेंज माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। आपको ये याद होना चाहिए, ये पूरा जो है ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट कोस इनवर्स एक्स डोमेन माइनस वन टू वन रेंज जीरो से पाई। नेक्स्ट है टेन इनवर्स एक्स डोमेन, ये टेन इनवर्स एक्स हो गया। डोमेन जो है टेन इनवर्स एक्स की वो हमारी होती है आर, रेंज होता है माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। ओके कोट इनवर्स एक्स डोमेन कोट इनवर्स एक्स की आर रेंज जीरो से पाई। तो यहाँ तक बिल्कुल सिंपल सिंपल था, याद करना भी आसान था। बस दो और बचे हैं कोसेक इनवर्स एक्स। सो डोमेन होती है आर माइनस माइनस वन टू वन, या आर माइनस माइनस वन टू वन लिख दो, या आप लिख दो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी है, सेम थिंग है। और रेंज माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू एक्सेप्ट जीरो, ठीक है। और लास्ट क्या है सेक इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन क्या होती है, इसकी डोमेन होती है आपकी सेम आर माइनस माइनस वन टू वन, और रेंज होती है हमारी जीरो से पाई माइनस पाई बाय टू। सो ये हमने पूरा चार्ट बना दिया, ये आपको पूरा अच्छे से ये टेबल याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। सो डोमेन हर एक फंक्शन की क्या डोमेन होती है, क्या रेंज होती है, ठीक है। सो यहाँ पर सिंपल सी बात क्या है, डोमेन से मेरा मतलब ये है जैसे साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स हमारा, सो एक्स हमारा डोमेन इसकी माइनस वन से वन है, सो एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में होती है, ठीक है। अगर कोई लिख दे साइन इनवर्स रूट टू लिख दे, अब देखो रूट टू तो माइनस वन से वन के बीच में नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स टू रूट टू की वैल्यू क्या होगी, ये हो गया नॉट डिफाइंड। तो साइन इनवर्स रूट टू जो है वो नॉट डिफाइंड हो गया। दूसरी बात रेंज से मेरा मतलब है कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू हो सकती है। अगर हमसे कोई पूछे कि एक्स की वैल्यू बताओ जिसके लिए पाई हो जाएगा, मैं कहूँ आपसे साइन इनवर्स एक्स पाई कब हो जाएगा, एक्स की वैल्यू बताओ जिसके लिए साइन इनवर्स एक्स जो है आपका पाई के इक्वल हो जाए। सो इसका आंसर है नो सॉल्यूशन, कोई ऐसी एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसके लिए पाई हो जाए। क्यों, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है डोमेन जो है सॉरी रेंज जो है साइन इनवर्स की रेंज माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू होती है। सो इसकी जो साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है वो पाई बाय टू तक ही हो सकती है, माइनस पाई बाय टू से ग्रेटर होगी और पाई बाय टू तक ही हो सकती है, पाई नहीं हो सकती है। तो ये था यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो सबसे जरूरी बात है वो क्या है कि साइन, अगर मैं लिखता हूँ साइन इनवर्स एक्स, तो ये जो चीज़ होती है ये साइन इनवर्स एक्स ये इक्वल होता है किस चीज़ के, ये वो एंगल होता है, ये उस एंगल के लिए होता है एंगल, और एंगल भी किस में, रेडियन में, इन रेडियन एंगल, और एंगल को मैं बोल रहा हूँ थीटा, ये वो एंगल थीटा है इन रेडियन सच दैट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। सो साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वो एंगल होता है रेडियन में जिसके लिए साइन थीटा किसके इक्वल हो जाए, एक्स के इक्वल हो जाए, ठीक है। सो यहां पर देखो जैसे साइन इनवर्स मैंने बोला वन बाय टू, ठीक है, तो ये उस एंगल के लिए इक्वल, उस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, ये उस एंगल के इक्वल होगा जिस पर साइन वन बाय टू होता है। ओके और एक बात और बता दूं कि ये जो थीटा एंगल है ये थीटा बिलोंग करेगा रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, मतलब माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच का वो एंगल जिसके लिए साइन थीटा एक्स के इक्वल हो जाए। सो यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि ये एंगल थीटा है, और तो थीटा जो आपका वो रेंज में बिलोंग करेगा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में बिलोंग करेगा, सच दैट साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू। अब बताओ साइन थीटा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में वन बाई टू कब होता है, तो उसका आंसर क्या है, थीटा हमारा कितना होगा पाई बाई सिक्स। सो साइन इनवर्स वन बाई टू की वैल्यू जो है वो हमारी पाई बाई सिक्स होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग
फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक और एग्जाम्पल देखें, जैसे जैसे मैंने बोल दिया कोस इनवर्स रूट थ्री बाई टू। सो कोस इनवर्स रूट थ्री बाई टू किसके इक्वल होगा? तो इसकी रेंज क्या होती है? कोस इनवर्स की रेंज होती है जीरो से पाई। सो जीरो से पाई के बीच में वो एंगल, ये किसके इक्वल होगा? जो उस एंगल के इक्वल होगा जीरो से पाई के बीच में जिस पर कोस थीटा रूट थ्री बाई टू आ जाए। और वो कितने पे आता है? कोस थीटा रूट थ्री बाई टू कब होता है? पाई बाई सिक्स पे होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे एक अगर एग्जाम्पल लूँ मैं, जैसे मैंने बोल दिया कोस इनवर्स वन। ठीक है, सो कोस इनवर्स, कोस की वैल्यू वन कब होती है? जीरो डिग्री पे होती है। या फिर अगर कोई तुमसे पूछे, देखो इन दोनों बातों में फ़र्क है। अगर मैं आपसे पूछूं कोस थीटा इज इक्वल टू वन, मैं बोलूं थीटा बताओ। सो ऐसे इनफाइनाइट थीटा एग्जिस्ट करते हैं जिनके लिए कोस थीटा वन हो। और कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं टू एन पाई प्लस माइनस जीरो। सो जीरो, टू पाई, फोर पाई, सिक्स पाई, ये सारे एंगल होंगे, बहुत सारे। कोस थीटा किस किस के लिए? जीरो प्लस माइनस टू पाई के लिए भी वन आएगा, प्लस माइनस फोर पाई के लिए भी। इनफाइनाइट एंगल्स ऐसे होंगे, पर हमें रेंज में बताना। रेंज क्या है? कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है? कोस इनवर्स रेंज की जीरो से पाई। सो जीरो से पाई में वो एंगल बताना है जिसके लिए कोस थीटा वन हो जाए, तो वो क्या है? जीरो। सो कोस इनवर्स वन किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे। जैसे मैं अगर एलिमेंट्स की एक्सरसाइज, एलिमेंट्स बुक से एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस देखूं, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है साइन इनवर्स 1/2। सो साइन इनवर्स 1/2, ठीक है मैं लिख देता हूँ एक मिनट के लिए सारे। सेकेंड पार्ट है कोस इनवर्स 1/√2। थर्ड पार्ट टेन इनवर्स 1/√3। ठीक है, ये तीन पार्ट ही हो गए, तो इनको मैं बता देता हूँ पहले। ठीक है, सो साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 कब होता है? सो वो एंगल जिस पर साइन की वैल्यू 1/2 हो जाए, तो ये है पाई बाई सिक्स। ठीक है, कोस इनवर्स 1/√2, सो जीरो से पाई के बीच में वो एंगल जिसके लिए कोस की वैल्यू 1/√2 हो जाए। ओके, कोस की वैल्यू 1/√2 कहाँ पे होती है? 1π/4 पर। टेन इनवर्स 1/√3, तो ये हो गया π/6। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। आगे इसी टाइप से जो फोर्थ पार्ट है सेक इनवर्स 2/√3। फिफ्थ पार्ट कोट इनवर्स 3/√। सिक्स्थ पार्ट कोसेक इनवर्स 2। सो सेक इनवर्स 2/√3 क्या हो गया कि जीरो से पाई में माइनस पाई बाई टू, ये सेक इनवर्स की रेंज होती है। सो इस इंटरवल में वो एंगल देखना है आपको जिस पर सेक की वैल्यू 2/√3 होती है। और सेक की अगर टेबल याद नहीं है आपको, तो आप किसको याद करोगे? कोस, कोस रूट 3/2 कब होता है? तो उसका आंसर है पाई बाई सिक्स पर। ठीक है, सो पाई बाई सिक्स पे होता है ये। सो ये आ गया पाई बाई सिक्स। कोट इनवर्स रूट 3, कोट रूट 3 कब होता है? पाई बाई सिक्स पे ही होता है। और ये जो है इसका आंसर भी हमारा पाई बाई सिक्स ही हो जाएगा। सो कोसेक होना चाहिए 2, कोसेक की अगर टेबल याद नहीं है तो आप साइन को करो। साइन होना चाहिए 1/2, और साइन 1/2 कहाँ होता है? पाई बाई सिक्स पे। सो ये हो गया पाई बाई सिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये ओवर हो गया, इतना ही है। सेकेंड क्वेश्चन जो है उसका फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स -1। सेकेंड पार्ट कोसेक, ओके सेकंड पार्ट है कोस इनवर्स -1/2। थर्ड पार्ट है हमारे पास टेन इनवर्स -√3। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव वाले में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नेगेटिव वाले में बता देता हूँ आपको, नेगेटिव वाले में आपको थोड़ा रेंज याद रखनी पड़ेगी। देखो हर चीज़ में रेंज याद होनी चाहिए आपको, डोमेन भी थोड़ी याद होनी चाहिए। सो देखो साइन इनवर्स की रेंज क्या थी? साइन इनवर्स एक्सी रेंज बता रहा हूँ मैं, -π/2 से π/2 में। सो -π/2 से π/2 में वो एंगल बताना जहाँ पे साइन की वैल्यू -1 आए। ठीक है, तो देखो बात क्या है, इसकी वैल्यू, इसकी जो रेंज है वो नेगेटिव भी होती है। तो इसका सिंपल सा होता है, इसका सिंपल से क्या करेंगे? -π/2 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 कहाँ पे होता है? π/2 पे होता है। तो -1 कहाँ पे होगा? -π/2 पे होगा। ठीक है,
ओके, कोस इनवर्स एक्स की रेंज 0 से पाई होती है, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स की रेंज आपकी -π/2 से π/2 होती है, ठीक है। सो जिन में रेंज नेगेटिव में जाती है, एक और में जाती है रेंज नेगेटिव, और वो कौन सा है, कोसेक इनवर्स एक्स, इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। तो जिन में रेंज नेगेटिव में जाती है उनको करना क्या बहुत ही आसान है, किस तरीके से करते हैं, जिन में रेंज नेगेटिव में है सो उनको करना बहुत ही ईजी है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस टाइम्स कर देंगे और पॉजिटिव वाली वैल्यू कंसिडर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, माइनस टाइम्स, क्योंकि हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है नेगेटिव रेंज जाने का, मतलब एक तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हम याद करें तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट को मतलब मेंशन करता है नेगेटिव एंगल, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, जैसे टेन भी नेगेटिव होता है, ठीक है। और मतलब एक तरीके से ये यहाँ पर तीन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं ये नेगेटिव रेंज शो करते हैं। तो जिनकी नेगेटिव रेंज होती है उसमें आप सिंपली कर सकते हो माइनस टाइम्स, ठीक है। और टेन इनवर्स √3 कब होता है, ठीक है, टेन इनवर्स √3 हमारा होता है π/3 पर, सो -π/3। पर जिन में रेंज नेगेटिव नहीं जाती, मतलब कोस इनवर्स माइनस एक्स, या हो गया इसकी रेंज क्या होती है, 0 से π होती है, कोट इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है, या कोस इनवर्स माइनस, कोस इनवर्स एक्स ही बता रहा हूँ फिलहाल, तो कोस इनवर्स एक्स की रेंज होती है 0 से π, कोट इनवर्स एक्स की रेंज होती है हमारी ओपन 0 से π, और सेक इनवर्स एक्स की रेंज होती है 0 से π -π/2। सो जिन में रेंज नेगेटिव मिल जाती है उनमें क्या करना पड़ेगा हमें, उनमें एक तरीके से आप ये सोच सकते हो कि आपको सेकंड क्वाड्रेंट में देखना पड़ेगा एंगल, एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में देखना पड़ेगा। तो कोस इनवर्स वन, कोस इनवर्स -1/2 है, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में देखो जहाँ कोस की वैल्यू 1/2 होती हो, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू 1/2, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू 1/2 का मतलब ये है कि अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सो सेकंड क्वाड्रेंट में अपने को वैल्यू निकालनी है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग कैसे निकालेंगे, π - θ करके निकालेंगे। सो पाई माइनस, और जहाँ पे 1/2 होती है वो वैल्यू है आपकी π/3, तो इस तरीके से करेंगे हम लोग, पाई से सब्ट्रैक्ट करके सेकंड क्वाड्रेंट वैल्यू बता देंगे। सो कोस इनवर्स -1/2 की वैल्यू होगी π/3। इसी तरीके से और क्वेश्चंस में अगर करवाऊँ आपको, तो फोर्थ पार्ट इसी का, फोर्थ पार्ट है कोसेक इनवर्स -2, फिफ्थ टेन इनवर्स -1, सिक्स सेक इनवर्स -2। तो देखो कोसेक इनवर्स, ओके, कोसेक इनवर्स में अगर कोसेक इनवर्स की रेंज नेगेटिव में जाती है तो हम सिंपली क्या करेंगे, माइनस टाइम्स, और कोसेक 2 कहाँ पे होता है, कोसेक 2 होता है π/6 पर, तो माइनस टाइम्स π/6। टेन इनवर्स की रेंज भी नेगेटिव में जाती है तो माइनस टाइम्स, और टेन इनवर्स 1 कहाँ पर होता है, माइनस टाइम्स लगा के हम लोग 1 वाली वैल्यू रख देंगे, टेन इनवर्स 1 कब होता है, π/4 पे, तो π/4। सेक इनवर्स है, सेक इनवर्स की रेंज देखो नेगेटिव में नहीं जाती है तो हम लोग क्या करेंगे, एक तरीके से इसको कर देंगे पाई माइनस, और सेक इनवर्स 2 की वैल्यू क्या होती है वो सब्ट्रैक्ट कर लो। सेक इनवर्स 2 की वैल्यू क्या होती है हमारी, सेक इनवर्स 2 की वैल्यू होती है π/3, तो सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, समझ गए। तो जिन में रेंज नेगेटिव नहीं जाती उसमें पाई में से पॉजिटिव जो वैल्यू होती है, जैसे सेक इनवर्स -2 है तो पाई में से सेक इनवर्स 2 की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये लॉजिक होता है। सो यहाँ पे हो जाएगा 2π/3, ठीक है। ये आप इस तरीके से भी सोच सकते हो, और अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो, जैसे सेक इनवर्स मैं बोल दूँ आपको -2/√3, इसकी वैल्यू निकालनी है, एक और क्वेश्चन हो गया। सो आप 0 से π में अगर आप सोच पा रहे हो तो 0 से π में वो एंगल बताना है जहाँ पे सेक की वैल्यू -2/√3 होती है, जहाँ पे सेक की वैल्यू -2/√3 होती है, ठीक है। सो यहाँ पर सेक की वैल्यू 0 से π में कहाँ पे मिलेगी, सो वो मिलेगी आपकी π/6 पे, तो आपको थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा इस तरीके से। सो यहाँ तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।